कितनी बार बोला है मुझे आराम से लगाए कर, दर्द होता है मुझे। आराम से ही लगा रहा हूँ, मूड तेरा खराब है और गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। क्यों नहीं खराब होगा, जब भी उस लड़की उस पुचकी का नाम सुनती हूँ ना मैं, तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। सिर्फ नाम सुना है, वो खुद थोड़ी आई, इतना मेलो ड्रामा करती है। चल अब दवाई खा लेना और फिर सो जाना, ठीक है? गुड नाइट। ज्यादा पास मत जाना उसके, आज पारा चढ़ा हुआ ब्यूटी का। क्या हुआ मेरी डार्लिंग, आज इतनी अपसेट क्यों है? मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग जान आज कमजोर कैसे पड़ गई? अच्छा ये बताओ, ये पुचकी कौन है जिसने मेरे ब्यूटी का रंग उड़ा दिया है? है नहीं, थी एक पागल लड़की जो मेरी खुशियों में टांग पे टांग रख के बैठी थी, लेकिन अब खत्म हो गई। अच्छा चली गई, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि लोग मानते हैं कि वो चली गई। क्या मतलब? जिंदा थी पुचकी, आज भी उन सब लोगों की आंखों में जो वहां मौजूद थे, सबकी आंखें फटी रह गई उसका नाम सुनकर। और वो लड़की जो नाच रही थी, जिसके दुपट्टे में आग लग गई थी, वो खुद नाम सुनकर दंग रह गई। हारे बात तो तूने सही की, हा? उस काली पूजा में सभी को पुचकी के बारे में पता था, पर वो लड़की तो बाहर की थी, तो उसने पुचकी के नाम पे इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? उसका तो बंदा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उस नाम को जानती है। क्यों दिया? कुछ तो बात है। ऋत्विक, मुरली को बोल कि उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करे, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। डन। अब चलें, सो जाते हैं, काफी रात हो गई। तू जा। कौन थी वो लड़की जिसके रोंगटे खड़े हो गए पुचके का नाम सुनते? पता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐब ना तुरंत खटकते हैं ब्यूटी की आंखों में। अरे मामा, आप यहां इतनी सुबह सुबह, और ये क्या आपने कल रात की साड़ी पहनी है? हमारा सब ठीक है ना? मामा आपकी आंखें सोलन। मामा आप रो रही थी क्या? मामा क्या हुआ बताइए। आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया मामा? मामा देखिए, आपको पता है ना कि आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। ओह प्लीज रितौल, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपके हाथों में सत्ता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप मौजूदा एम्पायर के फेस बने, लेकिन ये सुख आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। कठपुतली बनकर रह गए आप अपने शान दादा के हाथों की। ये पैर की डिसेबिलिटी क्या कम थी जो आप उसके प्यार में अंधे भी हो चुके हैं? I'm sorry रुबाय, हमें आपसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी माँ हैं हम।
आपकी अच्छाई के लिए आपको कड़वी से कड़वी दवा पिला भी सकते हैं। वो शान अच्छाई का चोला पहनकर आपको बेवकूफ बना रहा है। वो एक एक कर सारे हक छीन रहा है वो आपके। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है आपको? दादाजी का फेवरेट बन गया है। हमारा बिजनेस तो टेक ओवर कर ही चुका है, लेकिन अब वो आपके प्यार, आपकी अस्मिता पर डोरे डाल रहे हैं। क्या जरूरत थी उसे स्टेज पर जाने की? हाँ, क्या जरूरत थी जब अस्मिता डांस कर रही थी? वार्डरोब मॉलफंक्शन तो एक बहाना था, और वो दान के वक्त वो क्या था? दादा, वो अस्मिता के करीब आने की कोशिश कर रहा है। आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? Why are you being so dumb? Tell me why? पास मामा, पास। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतनी गलत सोच। मैं चाहे अंधा हूं या लंगड़ा, सहारा तो मेरा दादा ही रहे हमेशा और हमेशा रहेंगे। नहीं, आपके मन में दादा के लिए इतना मैल क्यों है? But I cannot even think of him like that. दादा पर मेरा भरोसा आपके डर से कहीं ज्यादा है। And he will never let me down. मेरी खुशी के लिए चांद दे सकते हैं वो, और उन्हें पता है कि मेरी खुशी अस्मिता में। उन्होंने वादा किया है हमें मिलवाने का, और मुझे यकीन है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। आप समझ नहीं रहे, आपके देखते ही देखते आपके प्यार और आपके हर हक को वो आपकी नाक के नीचे से निकाल कर ले जाएंगे, और आप हाथ पर हाथ धरे देखते ही रह जाएंगे। समझ आप नहीं रही है मामा, और देखती आप रह जाएंगी जब दादा खुद मुझे और अस्मिता को मिलवाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यू वेट एंड वॉच। दिस टाइम यू वेट एंड वॉच मामा। कैसे समझाएं हम आपको हृदय? कैसे? मासूम होना एक बात है, लेकिन बेवकूफ होना दूसरी बात है। हम ना मासूम हैं और ना हम बेवकूफ हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी जान अस्मिता में अटकी हुई है, और शान आप दोनों को एक कभी नहीं होने देगा। लेकिन इससे पहले कि वो शान कुछ करे, हम आपके फेरे करवा देंगे। इस बार आपकी खुशी के बीच में नहीं आने देंगे उस शान को। हमारे जीते जी तो कभी भी नहीं। आशीर्वाद है ये, शायद माँ ने आशीर्वाद दिया है आप दोनों की जोड़ी को। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ठंड से आपने मुझे बचाया था। मैं
आपसे पूछ रही हूँ मिस्टर एक्स, आपने मुझे कुछ की क्यों बुलाया? आपने मुझे कुछ की क्यों बुलाया? क्या कनेक्शन है आपका इस बोर्ड के साथ? पता नहीं सर, वो नाम मुंह से कैसे निकल गया जिससे मैं सख्त नफरत करता हूँ। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करूं मैं? आई एम सॉरी। जूनियर को एक से बढ़कर एक लड़कियां नहीं, सिर्फ अस्मिता चाहिए। कैसी सिचुएशन में फंस गया, जब देखो तब वो सामने हो या ना हो, पुचकी के अलावा ना कुछ सोच सकता हूँ ना कुछ देख सकता हूँ। क्या हो रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है पुचकी मेरे लिए, वो मुझे अच्छी लगती है कि मैं उससे नफरत करता हूँ? ये क्या एहसास है जो मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ? ओह गॉड, सारा सेंस ऑफ बैलेंस हिल गया, खुद की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। क्यों, जब मैंने खुद कह दिया कि मुझे उस नाम से नफरत है, तो फिर क्यों अलग सी बेचैनी हो रही है मुझे? क्यों सुकून नहीं मिल रहा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में? क्यों हो रहा है ऐसा? अगर वाकई मुझे उससे नफरत है, तो फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, उसे गले लिपट के उसे माफी मांग लूं? क्यों? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, गलत है ये। नो, क्या रीजन है? क्यों मुझे डबल थॉट्स आ रहे? वो डबल थॉट्स आ रहे गलत है ये। नो, नहीं। जय मां दुर्गा।
कितनी भी बेरहमी है ब्यूटी, लेकिन बगावत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती ब्यूटी। नफरत है बगावत से। तुझे क्या लगा बुर्खा पहन के काली पूजा में मजुमदार के घर जाके शान से मिलेगी? मुझे नहीं पता चलेगा, यही सोचे थे ना तुमने? अब तो बुर्खा पहन या किसी कंवर में छिप, तू ब्यूटी से कभी नहीं छिप सकती, समझे? तुझे पता है ना कि उस कमरे के पीछे क्या है? पता है ना तुझे? हाँ, इस ब्यूटी के हाथ में आज भी तेरी दुखती नब है। याद है ना तुझे कि इस बंद कमरे की चाबी आज भी मेरे हाथ में? याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ, उस चाबी की वजह से ही तो चंदा को छोड़ ठाकुर माँ का मुखौटा पहनना पड़ा है मुझे। तुझे तो सब याद है, हैं? उसके बाद भी ऐसी नादानी करी तूने मेरे साथ? क्यों कर रही ऐसी नादानी? क्या? चंदा रानी, तुझे पता है ना कि वो बंद दरवाजा कि तेरी दुखती नब अभी मेरे हाथ में है, और जिस दिन मैंने वो दबा दी ना किसी काम की नहीं रह जाएगी, पता है ना? नहीं, 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 तू जो कहेगी मैं वो करूं, कुछ मत करना बेटी, कुछ मत करना। चल गई, गाड़ी 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 गुड़दल गुड़दल, साड़ी सही कर अपनी दिखा। लेकिन तुझे तो पता है ना कितनी भी बेरहमी है ब्यूटी, पता है ना तुझे, है ना? अब उस बंद दरवाजे वाली बात अगर तूने शान को जाके बताई तो रहम का तो ठेका मैंने ले नहीं रखा, है ना? ध्यान रख, और जितना भी पड़ा है ना सामान इसे उठा, बाहर लोग देखेंगे तो कहेंगे मैंने पता नहीं तेरे साथ क्या उकट दिया। अचंदा दीदी, सी यू। सामान उठा। पोचे माँ, 5 साल से छुपाती आ रही हूँ इस राज को, और कब तक छुपाना पड़ेगा? थक चुकी हूँ माँ, और नहीं होता। हिम्मत दो माँ, हिम्मत दो, हिम्मत दो माँ, हिम्मत दो। विश्वजीत, बाहर देखो पेपर आ गया तो लेके आओ। ये दो है? इतनी सुबह? या रात भर सोए नहीं? सर क्या आप भी ना? वो क्या है ना बेटा कि इतनी जल्दी सुबह कभी आपको उठते हुए देखा नहीं, तो आई एम टोटली शॉक्ड, पर अच्छे के लिए शॉक्ड हुई। ठीक है, थैंक यू। क्या बात है, हमारा पोता आज कुछ परेशान दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कहना चाहते हो? सर वैसे तो ये बात आपको सोचनी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं तो इसलिए आपकी जगह मैं सोच रहा हूँ। कौन सी बात, क्या कहना चाहते हो? देखिए सर, आप चाहते ना कि दादा लंदन नहीं जाए और यहाँ हमारे साथ रहे। ऑफकोर्स। तो उनको रोकने के लिए आपने कुछ सोचा? नहीं सोचा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वारिद भाई, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है।
आज सुबह सुबह आपने हमें दूसरी बार शॉक किया है। लगता है कि शान की संगत का असर अब आप पर दिखने लगा है। वो तो डेफिनेटली है सर, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में नहीं है। आइडिया? तो वो आइडिया क्या है जरा बताओ तो। या सर, आइडिया ना बहुत सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। आप दादा की शादी करवा दीजिए। एक बार उनकी शादी हो गई तो उन्हें प्यार का सच्चा मीनिंग समझ में आ जाएगा। और लड़कियों में ना वो पावर होता है कि पत्थर को पिघलाकर इंसान बना दे। अब आप तो जानते हैं दादा कैसे एकदम सख्त और एकदम स्ट्रिक्ट होके घूमते, जैसे कि अभी से आप बन गए हो। I mean, वो एक बार उनकी शादी हो गई तो वो अपनी बीवी के साथ यहीं रहेंगे और उसके बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं? क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज कर देता हूँ। What an idea, Jim. आप जीनियस होते जा रहे हैं। I'm impressed with you. thank you, sir. आप रोल पोता किसका हो? आप ही का हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर फिर आप अभी से ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपके कोई सर्कल में हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो। और सर, दादा के लिए लड़की ना उनके टक्कर की होनी चाहिए। एक लड़की है हमारी नजर में, परफेक्ट मैच फॉर शान। परफेक्ट देन, तब तो सुमन सिग्रम। ये दवाई बेटा, उच्चारण ठीक करो। शुभस्य शीघ्रम। हाँ हाँ वही, पर आप समझ गए ना, बेसिकली ये है कि नेक काम में देरी क्यों। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स लाइक माय सर। अब आप अपना अखबार पढ़िए। शाबाश। आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो अस्पताल। मजूमदार हाउस में दो लड़के हैं, शान और रितोय। और रितोय तुम्हें पसंद करता है। सर, पुलिस की आंखें हैं अस्पताल, धोखा नहीं खाते। You're right, sir, लेकिन मैं... बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अस्मिता। उस घर में एंटर करने का इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है हमें? मतलब साफ है, वो लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। जिस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे थे उससे मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बहू? प्लीज अस्मिता, आई लव यू, आई लव यू अस्मिता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। ये आपकी विजय, एक एम्प्लॉय की फाइल चाहिए हमें, अस्मिता कुमारी की। हाँ, मैं उनके प्रोफाइल चेक करनी है, जल्दी भेजो। एक्सक्यूज मी सर, आप अस्मिता कुमारी की फाइल क्यों चेक करना चाहते हैं? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर, हमने आपको कभी किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की प्रोफाइल चेक करते नहीं देखा, कुछ और बात है क्या सर? वो हमें पसंद है और हमें लगता है कि वो इस घर की बहू बन सकती है। ओह माय गॉड सर, आपने तो हमारी दिल की बात कह डाली। अस्मिता हमें भी बहुत पसंद है, इनफैक्ट हम तो आपसे खुद ये बात करना चाहते थे, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली सर। ये तो बहुत खुशी की बात है, ये पहली बार हुआ है कि आप हमारी सोच के अनुसार चल रही हैं। हमारी खुशी दुगनी हो गई। आप नहीं सोच सकते सर कि हम कितने खुश हैं। घर के बड़े होने के नाते हम दोनों मिलकर घर की बहू के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सोच रही हो तुम? So, this is not done. आप मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। अस्मिता, ड्यूटी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, अपनी जान तक दे देते हैं ड्यूटी के लिए। सर, ले लीजिए मेरी जान। ड्यूटी के लिए और देश के लिए जान देने से मैं कभी पीछे नहीं हटती। पर सर, यहाँ बात कुछ और। बात क्या है अस्मिता? मैं तुम्हें हमें मिली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कह रहा हूँ, रियल में शादी करने के लिए नहीं कह रहा। हमें खुशी के साथ हैरानी हो रही कि आप शान के बारे में सोच रही हैं। बहुत अच्छा,
हमें बहुत खुशी हो रही है। शाम? हम उन्हीं के लिए तो लड़की ढूंढ रहे हैं। और हर बार की तरह हृदय का हक मार कर आप शान को दे रहे हैं सर। क्या क्या मतलब है आपका? यही कि हृदय भी आप ही का पोता है सर। अगर आपकी आपके दोनों पोतों पर बराबर की नजर होती तो आपको सब कुछ नजर भी आ जाता, पर माफ कीजिएगा, सब कुछ समझ भी आ जाता। तो आप कहना चाहते हैं कि अस्मिता और हृदय? जी सर, हम बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि अस्मिता और हृदय, हमारा बच्चा पागलों की तरह चाहता है अस्मिता को, और आप हम उन दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही काट रहे हैं सर। एक मिनट निमिता, आप कह रही हैं कि हम रिश्ता होने से पहले काट देते हैं? जो रिश्ता हुआ ही नहीं उसको काट कैसे सकते हैं हम? और रिश्ता काटने की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बरसों पहले अगर आप शान से रिश्ता नहीं काटती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि शान यहां रहे हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। और एक बात, इस घर में फैसले हम लेते आए हैं और हमारा फैसला है कि शान यहां रहेगा। और रही बात अस्मिता की, हृदय उनसे प्यार करता है ये जरूरी नहीं है, जरूरी है अस्मिता का रिस्पॉन्ड करना, और इसलिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हमारे दोनों पोतों में से किससे प्यार करती है, और करती भी है कि नहीं, और करती है तो किससे। वैसे हमारी नजर में अस्मिता और शान की जोड़ी ज्यादा बेहतर है। ये डिसीजन अस्मिता का होना चाहिए सर, इसके बारे में आप डिसाइड ना करें तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा कहा निवेदिता तुमने कि ये डिसीजन अस्मिता का होना चाहिए, और ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। शान की शादी से पहले हृदय की शादी के बारे में सोचना भी मत। इस घर में बड़े पोते की शादी पहले होगी, चाहे वो अस्मिता से हो चाहे किसी और लड़की से। शान मौजूमदार के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, करोड़ों में एक है हमारा पोता शान, तो हम उसके लिए बहू भी उसकी टक्कर के लाएंगे। और हम ये होने नहीं देंगे सर, किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। स्मिता समझने की कोशिश करो, हम दावे के साथ कह सकते हैं बहुत जल्द हृदय तुम्हें प्रपोज करेगा सर। हाँ, और मैं चाहता हूँ तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तुम मौजूमदार खानदान के सदस्य होने के नाते कभी भी आ जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। तुम समझ रही हो ना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? I know, sir. आप सही कह रहे, पर सर मैं ये नहीं कर सकती सर, मेरा मन नहीं मानता ऐसे किसी को धोखा देना, किसी के फीलिंग्स से आप खिलवाड़ करना सर, ये सर मुझसे नहीं होगा। स्मिता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे जाने दीजिए। याद करो वो शपथ जो तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हुए ली थी कि तुम संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सच्ची निष्ठा रखोगी। देश के प्रति वफादार रहोगी, देश और ड्यूटी के लिए अपनी जान तक दे सकती हो। ये निजी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें, खेल फरेब, ये हम बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर सकते हैं। नौकरी की सीमाएं होती हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन की नहीं। अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। मैं अस्मिता कुमारी ये शपथ लेती हूं और प्रतिज्ञा करती हूं
कि भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सच्ची निष्ठा रखूं तथा अपने पद के कर्तव्य का पालन ईमानदारी परिश्रम एवं निष्पक्ष रूप से करूं। मैं ये भी शपथ लेती हूँ कि जनता के प्रति सद्भाव एवं शिष्टाचार से व्यवहार करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे। एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ दिल, और इस देश की बेटी होने के नाते मेरा कर्तव्य सर्वप्रथम है। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति देना।